शॉर्सो फ्रॉम एस आर एम सी एम लखनऊ द इंस्ट्रुमेंटेशन एंड मेजरमेंट के आई सी फाइव जीरो वन ऑस टूडेज मई टॉपिक इज ऑस्लोस्कोप हिर वी कवर्ड द बेसिक कॉन्सेप्ट एंड बेसिक डायग्राम ऑफ द ऑस्लोस्कोप स्पेशल पर्पस ऑस्लोस्कोप एंड ऑस्लोस्कोप मेजरमेंट दिस इज द वर्सेटाइल इंस्ट्रुमेंट ऑफ द फॉर द इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स ऑसलोस्कोप इज़ ऑल्सो नोन एज द सर ओ वाई नाट मैंशन द सारो क्योंकि आज के डेट में बहुत से हमारे जो जहाँ पे हैं द आरो कैथोड रे ऑस्लोस्कोप तो एडवांस तो उसमें हमारे जो सियारोज आ रहे हैं जो ऑस्लोस्कोप्स आ रहे हैं वहाँ पे हम और भी यूज़ कर रहे हैं डिस्प्ले डिवाइजर से हम एलसीडी यूज़ कर रहे हैं तो ये प्लाज्मा टेक्नोलॉजी हम यूज़ कर रहे हैं तो इसलिए वी कैन हीयर वी कैन मैंशन द ऑसले स्कोप तो ऑसलोस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स टेस्ट इक्विपमेंट इनेबल्स वे फॉर्म द वे मेक्स इट वेरी मच ईजियर टू सी मतलब इसके द्वारा हम जितना भी ये इतना वर्सिटाइल इंस्ट्रूमेंट हमारा होता है सियारो कि आप इससे कुछ भी मेजर कर सकते हैं और क्विक मेजरिंग है और आपकी एकूरेट मेजरिंग है तो सभी फील्ड में जितनी फील्ड है चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स की फील्ड हो इलेक्ट्रिकल फील्ड हो फिर मेडिकल फील्ड है जहाँ इंडस्ट्रियल फील्ड है सभी जगह हम इसको एज अ मेजिंग टूल की तरह हम यूज़ कर रहे हैं तो दिस इज द वे कोई भी कैसा भी सर्किट है क्रिटिकल सर्किट है हम वहाँ पे नहीं लेकिन विद द हेल्प ऑफ द सी वी कैन एनालाइज इन द वेव ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन तो ये हमारा जो होता है जिसे हम इस uh, परपज के लिए हम सीआरओ को या यूज़ करते हैं मेन फंक्शन इसका क्या है टू बेल्व टू डिस्प्ले वेव फॉर्म द पहले क्या है कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है इसमें हमारे वेव फॉर्म डिस्प्ले कर दें नॉर्मल मोड ऑपरेशन जो होता है वो एक्स एक्सेस और हमारा ये वाई एक्सेस इस तरह से ये हमारा एक्सरिट्यूड डिस्प्ले लॉन्ग द वाई एक्सेस वर्टिकल एक्सेस जिस तरह से हम उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स वेब फॉर्म को अपने ऑक्सलोस्कोप में देखते हैं दिस इज द दिस इज द स्क्रीन ऑफ योर ऑक्सलोस्कोप और यू कैंसर दी आर ओ तो ये हमारी अगर आप यहाँ देखेंगे दिस इज द एक्स एक्सेस एंड दिस इज़ द जो भी हमें मेजरमेंट करना है उसके थ्रू हम यूज़ कर सकते हैं और भी कोई अगर कुछ हमें एनालाइज भी करना है तो वी कैन यूज़ दिस विद देल्प ऑफ ग्रेफिकल रिप्रेजेंटेशन एना एनालिसिस दिस इज द ब्लॉक डाइग्राम ऑफ द सी आर ओ यह हमारा एक जनरल बेसिक ब्लॉक डाइग्राम है और यह हमारा जनरल पर्पज सी आर ओ है उसका यह ब्लॉक डाइग्राम है फेयर यूजिंग द ये हमारा इनपुट सिग्नल है दिस इज़ द वर्टिकल एम्पलीफायर दिस इज द डिले लाइन डिगर सर्किट टाइम बेस्ट जनरेटर हॉरिजोंटल एम्पलीफायर पावर सप्लाई एंड दिस इज द स्क्रीन वर्टिकल दज द टू प्लेट्स वर्टिकल प्लेट्स एंड हॉरीजोंटल प्लेट्स नॉटन मेन्शन दी आर ओ क्योंकि यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं ये हमारा सी आर टी है कैथोड्रेड ट्यूब कैथोड ट्यूब यूज़ करेंगे तो उसे सीआर कहेंगे अगर हम उसमें कोई और डिस्प्ले यूज़ करते हैं प्लाज्मा यूज़ करते हैं या लिक्विड क्रिस यूज करते हैं तब तो उसे हम ऑस्लोस्कोप कहते हैं लेकिन नॉर्मल लैंग्वेज में वी कैन यूज द ओसिलोस्कोप और यो सीआरओ तो ये दिस डायग्राम इज शोइंग द जस्ट बेसिक डायग्राम ऑफ द आपका सीआर तो यहाँ पर क्या करते हैं कोई भी इनपुट सिग्नल हम वर्टिकल एम्पलीफायर पर देते हैं वर्टिकल एम्पलीफायर से फिर आपका वाई आर यूजिंग दिस डीले लाइन फिर यहाँ एक सिग्नल हमारा जा रहा है जो इनपुट का है वो डिल डिले लाइन पे जा रहा है दूसरा हमारा ट्रिगर सर्किट पर जा रहा है तो यहाँ पे जैसे सबसे पहले भी हमने आपका फ्रिक्वेंसी मैज बताया था कि वी आर यूजिंग द ट्रिगर सर्किट तो यहाँ टाइम बेस अगर हम ये डीले लाइन नहीं देंगे वी कैन यूज डायरेक्ट इन द हॉरिजॉन्टल प्लेट यहाँ पर दो हमारी रिफ्लेक्शन प्लेट्स हैं एक हॉरिजॉन्टल है और एक वर्टिकल है तो जो हमारा ये क्या एक सिग्नल हम कहाँ पर जा रहे हॉरिजॉन्टल पे जा रहा है दूसरा हम वर्ट, वर्टिकल पे जा रहा है अगर हम डिले लाइन नहीं लगाएंगे तो हम, मेरा सिग्नल इंस्टेंट अब देख रहे हैं इट कैन कंसीडर दिस वन तो ये यहाँ पे पहुँच रहा है अगर ये डिले लाइन हम बाईपास कर देते हैं वी कैन यूज़ डायरेक्ट तो हमारा क्या हो जाएगा वो सिग्नल हमारा ओवरलैप कर जाएगा या एक्चुअल उसके नहीं आ पाएगा तो ये इसलिए हम जो सिग्नल यहाँ से इनपुट देते हैं तो वी कैन हैव वर्टिकल एम्पलीफायर पर जाता है फिर हमारा डी लाइन पर जाता है डी लाइन से हाउजेंड फिर ये हमारा टीगर सर्किट होता है टाइम बेस्ड ये एक्स एक्सेस के लिए है ये हमारा वाई एक्सेस के लिए रहता है फिर जो हमारा एम्पलीफाई सिग्नल करता है और वी कैन गेट द जो भी हमें वेव फॉर्म चाहिए जिस भी फॉर्म में चाहिए वी कैन यूज इट इसमें दो पावर सप्लाई होती है हाई वोल्टेज होती है क्योंकि हम वी आर यूजिंग द कैथोड रे तो वी मेंशन द मैं पावर सप्लाई जो तो कि हमारे कैथोड ड्रॉक के लिए होती है और दूसरी हमारी जो अदर सर्किट इसमें लगी हुई है उसके लिए होती है तो दिस इज द बेसिक वेरी बेसिक ब्लॉक डायग्राम ऑफ द सियारो अब आपने देखा इसमें एक एक ब्लॉक्स को डिस्कस कर लेते हैं वी आर यूजिंग द ट्रिगर सर्किट इट प्रोड्यूस द ट्रिगरिक सिग्नल टाइम बेस्ट जनरेट इट प्रोड्यूस दूज वेव या शॉर्ट सिग्नल इन एयर इज द एक्स एक्स

पावर सप्लाई भी रोज द बहुत हाई एंड लो वोल्टेज सी आर टी रिक्वायर्ड द हाई वोल्टेज एंड अदरसा रिक्वाइर्ड द लो वोटेज द मेन पार्ट ऑफ द दो हेयर इज ऑफ मेन हमारा जो सी आर ओ का मेन पार्ट होता है वो होता है सी आर कैथोडे ट्यूब इसके भी हमारे चार पार्ट्स होते हैं वे आर यूजिंग जनरली वी आर यूजिंग इंटरनल कंस्ट्रक्शन वे है इलेक्ट्रॉनिक गन वर्टिकल रिफ्लेक्शन प्लेट्स हॉर्जोनटल रिफ्लैक्शन प्लेट एंड स्क्रीन अगर इसके पहले से आपको थोड़ा सा

जैसे हीटर जैस कैथोड ये हमारी कंट्रोल गेट होती है फिर देख देखिए आप यहाँ से जब कर हो इलेक्ट्रॉन बीम हमारी जनरेट हो रही है जैसे फोक्सिंग एनरोड दैन फिर एक्सलेटिंग एनरोड फिर ये हमारा हॉर्जोनटल एक्सेस और इस तरह से हमारा रिफ्लैक्शन प्लेट दोनों होती हैं आप पे वी कैन मेजर द जो भी हमें वेव मिलती है जो स्क्रीन पे जो जनरेट द यू कैन स्पॉट और जो आउटपुट लेंगे यू कैन जनरेट द तो दिस इज द हार्ट ऑफ द सी आर ओ तो सी आर टी इज द हार्ट ऑफ द सी आर ओ जिस तरह से हमारा क्या कैथोडे ट्यूब इज स्पेशाइज वैक्यूम ट्यूब इन विच इमेजेस आर प्रोड्यूस्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन ऑन बेमस्ट सरफेस ये मटेरियल जनरली फास्फोर लेते हैं अलग अलग तरह होते हैं जो तो कलर्स भी होते हैं उसके हिसाब से अलग अलग होते हैं जैसी रिक्वायरमेंट होती है सी आर टी की मेडिकल लाइन में है तो अलग हम लेते हैं जनरल पर्पज़ से आर ओ लेते हैं या लेबोरेटरी के लिए लेते हैं तो अलग लेते हैं स्पेशल कैलिब्रेशन या स्पेशल ये तो हम ये जो सी आर टी की हमारा स्क्रीन है फॉस्फरस स्क्रीन है ये क्योंकि यहाँ पर हमने फॉस्फरस लिखा है ग्रीन अगर हम और कलर ले लेंगे तो ये मेरी अलग हो जाएगी डिपेंड्स ऑन ये मेटेरियल जो हम कोटिंग करते हैं उसके हिसाब से मटेरियल डिसाइड करते हैं और जो कलर हमें चाहिए जहाँ पे जैसे ब्लू चाहिए तो ब्लू के हिसाब से कलर लेते हैं ग्रीन जनरली आपको ग्रीन दिखेगी तो ये मेडिकल है तो वहाँ मेडिकल लाइन्स में हमें और अच्छी एक्यूरेसी चाहिए होती है और क्लियर इमेज चाहिए होती है तो हम थोड़ा सा वहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ मटेरियल वी कैन यूज़ फॉर द स्क्रीन एप्लीकेशन ऑफ सी आर ओ हेयर आई एम ए द वेरी फ्यू एप्लीकेशन ऑफ द सी आर ओ हर फील्ड में आज की डेट में वी आर यूजिंग द सी आर ओ एम्प्लीटूड ए सी आइडेंटीफाई द एम्पलीट्यूड ऑफ वेव फॉर्म कम्पेरिजन बिटवीन फेज एंड फ्रीकवेंसी ये भी आगे हम डिस्कस भी करेंगे दस प्रोड्यूस द कैपेसिटेंस एंड इंडक्टेंस वैल्यू हम मेजर कर सकते हैं मेडिकल फील्ड में बहुत ज़्यादा सीआर का यूज़ हो रहा है आज के डेट में सीआरओ यूज टू ऑब्जर्व द कैरेक्ट्रिस्टिक्स ऑफ द एम्पलीट्यूड मॉडुलेशन सर्किट फ्रिक्वेंसी योर रेडार टी वी रेडार में वी कैन यूज डायरेक्टली द आरो और जो इसमें मैंशन नहीं किया गया मेजर द सर्किट्स अगर हमें कोई सर्किट में कुछ भी हमें वैल्यू चेक करनी है तो हम सियारो यूज़ करते हैं हेयर वी कैन डिस्कस द चारो बहुत तरह के हैं हेयर वी एन डिसकस द फ्यू स्पेशल पर्पज ऑसलोस्कोप नॉट मैं ऑस्लोस्कोप देर मेन्शन हाई एम डिस्कसिंग हेयर डुअल टेस्ट ऑसलोस्कोप डोल बीम ऑसलोस्कोप डिस्टेंसोस्कोप आपको बता दें इसके अलावा भी हमारे पास बहुत से हैं जो कि आप अगर जैसे ही आप यूज़ करेंगे सैम्पलिंग ऑस्लोस्कोप जैसी रिक्वायरमेंट होती है वैसे हम उसमें चेंजेस करके ऑसलोप हाई फ्रीग्वेंसी ऑस्लोस्कोप तो जहाँ जहाँ पे जा लेकिन यहाँ पे हम एक एक करके तीनों डिस्कस करेंगे तो फर्स्ट वन इज योर और डोल्ट टेस्ट आसलो जैसा कि इसका नाम क्या रहा है दिस इज़ फर्स्ट इज द बीम डेल भीमेंशन है डोल भीम आसल उसको तो डोल बीम आप देख रहे हैं अगर यहाँ पर बात करेंगे तो डेल्टेस्ट डोल भीम डिस्ट्रस्ट जो ये नाम कह रहा है एटी परसेंट तो आपका इसी में आंसर टेस्ट जहाँ पे हमें बहुत सी ज़रूरत पड़ती है कि हमें एक साथ दो वेफ टेस्ट चाहिए तो हम कैसा बनाएंगे हमें हाँ चाहिए डोल टेस्ट हॉस्लोसकोप यहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं सिंगल हमारे पास बीम होती है और हम उसे ट्रेसिंग दो करते हैं या मल्टीपल टेस्ट भी कर सकते हैं जैसे जैसा इसका नाम कर रहा है डोएल बीम हॉस्लो स्कोप आपको मैंने फिगर भी दिखा रहे हैं तो जो फर्स्ट वन इज योर हमारा दैट इज़ ए डोल ट्रेस तो यू कैन सी इज़ द टू वेव्स डबल बीम ऑसलोस्कोप यहाँ पे भी यू कैन सी द दोर बट यहाँ का जो कंस्ट्रक्शन है अभी आगे आप देखेंगे दैट इज विल बी चेंज द टेस्ट यहाँ पे भी आपकी दोहरी वी कैन यूज टू और मोर देन टू सेम डेस्ट या मल्टीपल टेस्ट इज द एडवांस सी दैट इज कॉल्ड द डिजिटल स्टोरेज ऑसलोस्कोप डिजिटल स्टोरेज के अलावा हमारा एनालॉग स्टोर भी आता है बट एट प्रेजेंट वी आई आर डिस्कसिंग द डिजिटल ऑस्लो स्टोरेज और एक एक करके आपको बताते हैं तो पहला डिस्कस कर रहे हैं डोएल बीम ऑस्लोस्कोप यहाँ पे हमारी क्या होती है दो इलेक्ट्रॉन बीम्स होती हैं देट आर डिस्प्ले डिस्प्लेमस और सिंगल स्कोप अब अभी आपको बताया कि डोल ट्रेस है डोल बीम है हमारे पास डिजिटल स्टोर तो डोल बीम और ट्रेस अगर अगर आप देखेंगे तो अगर इसके पहले आपको दिखाएं तो इसका अगर आउटपुट आप देखेंगे तो देखिए हेयर वी कैन मेजर द

कि यहाँ पे क्या है कि लेकिन अगर क्या है अब बेसिक आप जो दो मेज़रमेंट कर रहे हैं दो टेस्ट चाहिए डेल्व टेस्ट भी ले सकते हैं डोल बी एम वाइर वट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डोल बीम कंस्ट्रक्शन नहीं है एप्लीकेशन पार्ट से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि जब हमें अगर सेम फ्रिक्वेंसी पर मेजरमेंट करना है और दो हमें सिग्नल चाहिए एट अ टाइम तो हम क्या करेंगे बीम लेंगे क्योंकि हम डेल्व टेस्ट के सिग्नल हम दो टेस्ट कर सकते हैं लेकिन हम वहाँ पे सेम फ्रिक्वेंसी पे नहीं कर सकते हमें अगर वो इनपुट अल, अलग अलग एक, एक हमें एक्स है ए है तो एक बी जाएगा तो ये इस वजह से हमें ये दोनों की रिक्वायरमेंट होती है आगे हम डिस्कस करेंगे कि वन इज़ बेटर वन इज़ वाई रिक्वायर्ड कहाँ कहाँ पे जैसे जैसे इसकी एप्लीकेशन आती हैं वैसे वैसे इसको है। Here, हम इसको यूज़ करते हैं हम डिस्कस द डुअल बीम और तो देर द्री यू कैन सी दू चैनल चैनल ए चैनल बी आप यहाँ पे देखेंगे कि ए, जैसे इसके पहले आपको जब जनरल प्रोग्राम बनाया था तो देय द इनपुट इनपुट हमारा जाता है फिर तो जो सेम फंक्शन वही सेम वैसे ही काम करेगा जैसे हमारा जनरल पर्पज सारो करता है बट ये देयर वे आर यूजिंग द ओनली सिंगल इनपुट एंड प्री एम्पलीफायर यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि हमने दो हमारे पास दो वर्टिकल एम्पलीफायर हो गए दो पूरा बीम का स्ट्रक्चर इलेक्ट्रॉनिक बीम हमारे पास क्या है दो हैं दिस इज द नोन एज द बीम ऑसलोस्कोप तो हमने क्या किया पहला जो इनपुट हमारा है सपोज ए ए इनपुट हमने फर्स्ट इस पर दिया प्री एम्पलीफायर जो हमें एक वेव ट्रेस करना है डिले लाइन्स उसके बाद वर्टिकल एम्पलीफायर यहाँ पे आप देख रहे हैं कि वी आर यूजिंग सेपरेट वर्टिकल एम्पलीफायर फॉर द सेपरेट बीम्स यहाँ पे हम जब दो सिग्नल दे रहे हैं तो दो बीम हम अपनी यूज़ कर रहे हैं और दो लेकिन हॉर्जॉन्टल पेलेट यहाँ पे एक ही है तो देख रहे हैं यहाँ पे कि वी आर फॉर उसके लिए हमने क्या है सेलेक्टर स्विच लगाया हुआ है तो वी आर यूजिंग प्री एम्पलीफायर डिले लाइन वर्टिकल एम्पलीफायर वन दिस फॉर द चैनल वन या चैनल है चैनल वन और चैनल ए सेकेंड अगर हमें टेस्ट उसी समय चाहिए एट द सेम टाइम तो हमें क्या है वी आर अगेन यूजिंग चैनल बी वो अपने वैसे सेम प्रोसेस होगा आपका सेकेंड वर्टिकल एम्पलीफायर भ तो यहाँ पे हम क्या यूज़ कर रहे हैं दो बीम्स और दो वर्टिकल एम्पलीफायर इस वजह से इसे हम क्या कहते हैं ड्यूल वेब ऑसलोस्कोप अब देख भी रहे हैं सामने इसमें तो यहाँ पे फिर जो अगर हम आपको दिखा रहे हैं तो अगर हमने जो हमारा ये ट्रिगर सर्किट है इसको अगर हमने ए पे लिया तो हमारा उस समय कौन सी आ, हमारी डिस्प्ले आएगी दैट इज़ योर जो भी हमारा इनपुट है ए पे जो भी हम ले रहे हैं जो भी वेव फॉर्म करना चाहिए एक हम साइन वेव ले रहे हैं तो यहाँ पर साइन वेव सेकेंड फ्लेयर जब इसको हम बी पे कनेक्ट करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा बी से हो जाएगा इस तरह से हम एट अ टाइम सेम फंक्शन होता है इसमें और कोई चेंज नहीं है सी भी हम वी आर यूजिंग सी आर टी बट यहाँ पर क्या वी आर यूजिंग टू इलेक्ट्रॉन गन बीम्स विद टू वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट्स एंड सिंगल हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट बाकी सारा फंक्शन सेम रहता है दैट स्विच यू कैन चेंज द मोड आप अगर आप फ्रंट पैनल पे देखेंगे दे इज सेलेक्टेड फॉर द टू मोड सेपरेटली चैनल ए एंड चैनल बी कंस्ट्रक्शन अलग है अगर आप डोएल ट्रेस और उसको दोनों एक साथ रखेंगे फिजिकली तो आपको बाहर से अगर आप पास से नहीं देखेंगे तो यू कैन मेंशन जस्ट सिंगल कि ये हमारा डोएल बीम है ये दो टू चैनल वी रिक्वायर द टू चैनल तो दैट इज़ योर डोल बीम ऑस्लोस्कोप दिस नेक्स्ट इज द डोल ट्रेस ऑस्लोस्कोप इसके पहले डोएल बीम था जहां पे हम क्या कर रहे थे वी आर यूजिंग द टू इलेक्ट्रॉन बीम्स और उससे हम सेपरेटली अपना ट्रेसेस uh, अलग 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 एक एक ट्रेस के लिए इलेक्ट्रॉन बीम का कंस्ट्रक्शन था और दूसरी ट्रेस के लिए यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि वी आर यूजिंग द बीम हमारे पास एक ही है लेकिन हमें ट्रेसेस जहाँ पे दो चाहिए जैसे चाहे वो ड्यूल बीम हो या ड्रेस वी कैन यूज़ मल्टीपल आल्सो। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे भी वी आर यूजिंग अगेन सेम चैनल ए चैनल बी, बीज इन प्री एम्पलीफायर एंड एटनेटर डिले लाइन दोनों चैनल की अपनी अपनी डिले लाइन है क्यों क्योंकि हमारे वर्टिकल एम्पलीफायर पे जा रहा है देर इज़ द सम इंपोर्टेंस दैट वी आर यूजिंग द इलेक्ट्रॉनिक्स स्विच यहाँ पर जो हमारी ट्रेस uh, है वो अगर एक से उस पर जानी है तो ये यहाँ पे हम वी आर यूजिंग फॉर द इलेक्ट्रॉनिक्स तो ये अपने आप भी कभी अगर हम ऑटो मोड में डाल देंगे तो वो अपने आप भी वो फर्स्ट ए पे चैनल पे जाएगा फिर वो बी चैनल पे जाएगा वी कैन कंसीडर विद द स्विच दैट इज मैंशन हियर इज द एस जीरो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक स्विच सेलेक्ट करता है एक्स मोड बाकी सेम वैसे यह टिगर सर्किट है स्वेब जनरेटर है हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर फेम पर जाता है वी आर यूजिंग द सी आर टी आल्सो सेम वैसे वर्क अब इसमें उसमें डिफरेंस क्या है और एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है कंस्ट्रक्शन वाइज अगर आप देखेंगे तो ब्लॉक डायग्राम में आपको दिख रहा है नाम से भी पता चल रहा है कि एक हमारा डोल बीम है एक हमारा डोए ट्रेस हॉस्लोस्कोप है एक में एक बीम होती है एक में दो बीम होती है काम वही कर रहा है लेकिन अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो डोल मल्टेल ट्रेस ट्रेस हॉस्लोस्कोप से अगर हम मल्टी ट्रेस हॉस्लोस्कोप करेंगे तो यहाँ पर हमारे चैनल्स बढ़ जाएंगे डिले लाइन हम और ऐड कर देंगे लेकिन अगर हम डोएल बीम में ऑस्लोस्कोप uh, में करेंगे तो जब मल्टीस्कोप बनाते हैं तो वी कैन अगेन यूज द मल्टीपल या मोर देन वन या टू लेते थे नाम कह रहा है तो क्या होता है कि हमारा कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी बढ़ जाती है और साइज भी बढ़ जाता है क्योंकि वे आर यूजिंग द टू इलेक्ट्रॉन वे आर इन डेल बीम लेकिन जब हमें अब लेकिन ड्रॉबैक क्या क्या है डोल्डर्स का डोलर्स का ये है कि अगर हमारे पास Uh, दो अलग अलग फ्रिक्वेंसी हम दे रहे हैं तो वो यहाँ पे हम मेज़र नहीं कर सकते ए पे हमारा एक एक्स एक चाहते हैं और एक पे वाई चाहते हैं तो ये यह यहाँ पे नहीं हो पाएगा लेकिन डेल्व बीम में वी कैन यूज इट क्योंकि वो हमारी हमारे यहाँ पे अलग इलेक्ट्रॉन गन में लेकिन क्योंकि अलग 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 इलेक्ट्रॉन गन हम यूज़ करते हैं तो बल्कि भी हो जाता है उसको पावर भी ज़्यादा चाहिए होता है तो ये दीज आर द सम बेसिक डिफरेंस बिटवीन डोल टेस्ट एंड डोल बीम और बट पर्पजस अगर आउटपुट के पॉइंट से देखेंगे तो आउटपुट के पॉइंट से हमारा अगर अब आप डायग्राम पहले दिखाया था तो देखिए ये भी हमारा ये हमारा क्या है डोएल ट्रेस है और ये हमारा डोल बी मॉसलोस्कोप वी कैन मेजर मल्टीपल टेस्ट विद द हेल्प ऑफ बोथ कंस्ट्रक्शन अलग है एप्लीकेशन अलग है हर वहाँ आपकी सेम फ्रिक्वेंसी पर दोनों चीज़ें नहीं यूज हो सकती हैं तो ये हमारा दिस इज द डोल ट्रेस हॉस्लोस्कोप दिज आर द जनरल पर्पज आउट लो उसको डुएल रेस आउट लो उसको डुएल भी माउस्लो दिया जाता कन्वेंशनल आउसलो आज की डेट में हमें ये जैसे ही पावर जाएगी वैसे ही आपका यहाँ पे आउटपुट चला जाएगा जो भी डिस्प्ले है हमारे सी पे वो चला जाता है बहुत सी जगह हमें ज़रूरत पड़ता है कि हमें पुराना डिस्प्ले भी चाहिए या फिर हमें कोई काम करना है थोड़ा लॉन्ग पीरियड के लिए वी आर डूइंग समथिंग एल्स एंड वी वांट टू स्टे फॉर दैट सिग्नल और दैट वे फॉर दैट आउटपुट तो उस समय क्या होता है कि वी आर यूजिंग द स्टोरेज ऑसलोस्कोप स्टोरेज ऑक्सलोस्कोप भी है इसमें भी आपका एनालॉग एनालॉग भी होता है वो है ना आई एम नॉट डिस्कसिंग हेयर वी आर डिस्कसिंग द एडवांस वर्जन तो एनालॉग में हमारे दो होते हैं तो होता है एक फॉसफोर टाइप का होता है और एक हमारा मेस टाइप का होता है यहाँ पे हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं एडवांस वर्जन दैट इज द डिजिटल स्टोरेज ऑसलोस्कोप जैसे इसका नाम है फंक्शन वैसे ही रहता है लेकिन यहाँ पे वी आर यूजिंग सम डिजिटाइजेशन जब हम उस कन्वेंशनल मेथड में डिजिटाइजेशन मेथड यूज़ करेंगे तो हमारा क्या है डिजिटल डिजिटल आउसलो को, डिजिटल स्टोरेज आउसलो को। क्योंकि हमें सिग्नल को स्टोर करना है हमें जब हमारी रिक्वायरमेंट है या जब हमें चाहिए तब हम उस सिग्नल को यूज़ कर सकें डिजिटल इसलिए क्योंकि वी वांट मोर एक्यूरेट और वहाँ पे आपका सिग्नल वेव फॉर्म यहाँ पर डिजिटल सियारों में क्या होता है वैन यू यूजिंग द डिस्प्ले यू डिस्प्ले द ग्राफिकल वेव्स भी आपको दिखेंगी और उसकी वैल्यू भी आपको दिखेगी दिस इन द डिस्क्रीट फॉर्म तो दिस इज द में अगर बाई चांस आपका वहाँ से गलत हो रहा है तो यू कैन चेक द वैल्यूस जो कि पैरल आपकी मूव करती है वेव के साथ जो भी आप मेजर करना चाह रहे हैं वोल्टेज है करेंट है वेब फॉर्म्स है या yeah, कंटिन्यूटी है जो भी आपको करना है कॉन्टिन्यूस सिग्नल आपको मूव करना है तो वी कैन यूज़ बट दिस इज द एट द प्रेजेंट सिनारी वी आर यूजिंग द डिजिटल स्टोरेज ऑफ्कोप तो डिजिटल स्टोरेज ऑस्लोप आप जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि सेम वैसा ही आ रहा है वी आर यूजिंग द सैम्पल होल्ड सर्किट वी आर यूजिंग द कंट्रोल लॉजिक सर्किट एंड द मेन इंपॉर्टेंस इज दैट इज योर ए टू डिजिटल ए टू डी एंड लॉक टू डिजिटल कन्वर्टर उसको यूज़ करके हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं वी और वी क्योंकि नॉट ओनली डिजिटल को दिस इज द डिजिटल स्टोरेज उसको तो यहाँ पे वी आर यूजिंग द मेमोरी इसको दो तीन मोड से हम यूज कर सकते हैं रोल मोड होता है क्रंट मोड होता है आपका स्टेप मोड होता है तो वी जैसी हमारी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से हम इसको डिजिटल स्टोरेज ऑफटेलोस्कोप को यूज़ करते हैं तो मेजरमेंट बाई सी आर ओ वोल्टेज क्योंकि हमारा सीआरओ जो होता है वो एक्चुअल में वोल्टेज बेस इंस्ट्रूमेंट है तो वी कैन मेजर द वोल्टेज करेंट फ्रिक्वेंसी वोल्टेज आप डायरेक्ट मेजर कर सकते हैं वे हमारा एक्सेस और वाई जो टाइम पर डिवीज़न होता है मेजरमेंट क्योंकि ये वोल्टेज बेस हमारा इंस्ट्रूमेंट होता है तो यहाँ पे हम क्या करते हैं करंट के लिए करंट मेजरमेंट के लिए अन अननोन रेजिस्टेंस लगाते हैं उसके हिसाब से जो वोल्टेज ड्रॉप होता है उसको हम मेज़र करते हैं और उसको जो हमारा नोन रेजिस्टेंस है स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस लगाते हैं उस जो वोल्टेज ड्रॉप होती है अगर हमें इसमें करंट मेजर करना है तो दैट इज़ योर डिवाइडेड बाय नॉन रेजिस्टेंस इससे हम इस तरह से हम इसको करंट को मेजर करते हैं और टाइम पीरियड भी निकाल सकते हैं कि वी कैन यूज द डायरेक्ट फ्रिक्वेंसी आप निकाल सकते हैं टेम्परेड भी निकाल सकते हैं इसमें सब मेजरमेंट जो फ्रिक्वेंसी इसमें है वी कैन यूज़ द डायरेक्ट मैथड दैट इज योरथ लिसा जूएस मैथड लिसाज मैथड मैथड में जैसे आप देख भी रहे हैं छोटा सा एग्जाम्पल लिया है कि से हम डायरेक्ट uh, मेजरमेंट करते हैं फेस भी निकाल सकते हैं और फ्रीकवेंसी भी निकाल सकते वे कैन डिस्कस द फ्रिक्वेंसी मेजरमेंट तो आप इस डायग्राम में देख रहे हैं वी कैन कंसिडर दिस सर्कल एफ इज योर वर्टिकल फ्रिकवेंसी एफ एच इज योर हरिजॉन्टल फ्रिक्वेंसी देख रहे हैं अब यहाँ पे भी वन है वन है दूसरा हमने एग्जाम्पल लिया है जहाँ पे हमारे पास वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल हमारे पास दिस इज अगर आप ऐसे देखेंगे तो दिस इज इजल और दिस इज वर्टिकल तो ये हमारा क्या होता है टेंजेंसीज वन एंड टू तो दिस इज मेजर द डायरेक्ट मतलब आप देख के भी निकाल सकते हो तो हम निकालते कैसे ऐसे कि जो हमारी वर्टिकल फ्रिक्वेंसी हॉरिजॉन्टल फ्रिक्वेंसी नंबर ऑफ़ हॉरिजॉन्टल टेंजेंसीज और डिवाइड बाई नंबर ऑफ़ वर्टिकल टेंजेंसी तो जब हमारी जो अंडोन फ्रिक्वेंसी वो वर्टिकल पे देते हैं और हॉरिजॉन्टल पे हमारी डोन फ्रिक्वेंसी होती है तो जो, जो टेंजेंसीज़ होती है उसको हम डायरेक्ट काउंट कर लेते हैं और डिवाइड तो वी विल गेट द फ्रिक्वेंस डायरेक्ट फ्रिक्वेंसी मेजरमेंट ऑफ द विद द हेल्प ऑफ लिसर जियो मैथड तो दिस इज द बिगेस्ट ऑल टाइप ऑफ मेजर वी कैन मेजर द इन द विद द हेल्प ऑफ द लिसर तो जैसा आपको बोल रहा कि हमने कन्वेंशनल सीआर ओ पहले बेसिक डायग्राम से डिस्कस किया कन्वेंशनल डायग्राम डिस्कस किया तो डिजिटल तो आज की डेट में भी बहुत एडवांस वर्जन भी आ गया हैं सीआर ओ के तो पी सी बेस पी सी बेस और भी मार्केट में अवेलेबल है वो हमारी ज़रूरत है क्योंकि वी कैन यूज़ द नोटबुक्स वी कैन यूज़ द कंप्यूटर सिस्टम तो वहाँ पे भी हमें अगर चाहिए एज अ वर्क एज अ सी वे आर नॉट यूज द सी आर टी बट वहाँ पर हम क्या सी आर टी यूज नहीं करते वहाँ पे हम यूज करते हैं एल सी डी या हम अदर डिज प्लाज्मा तो एडवांस ऑस्टलोस्कोप भी हमारे मार्केट में अभी आ चुके हैं तो वी टूडे इन दिस लेक्चर आई हैव है जनरल पर्पज सी आर ओस स्पेशल सी आर ओस एंड डिजिटल सी आर ओस और हाउ मेजरमेंट विद द हेल्प ऑफ जनरल मेजरमेंट दैट इज योर करंट वोल्टेज फ्रिक्वेंसी टाइम पीरियड एंड देशल मैथड एट द लिसा जो द डायरेक्ट मैथड फॉर द फ्रिक्वेंसी विद द हेल्प ऑफ द सी आर ओ आप यहाँ पे जो हमारा शेप बना हुआ आपने दिखाया ए और भी सर्किल लिया है और दो डायरेक्ट आप देख के भी बता सकते हैं कि, कि कितनी फ्रिक्वेंसी है इसकी हम अगर, अगर अप्लाई करते हैं एक पे अनोट और हमारे पास हर्जोनटल फ्रिक्वेंसी पता है फिर हम जितनी टेंडेंसी है उसको हम डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास आ जाता है तो टूडे इज़ द कंप्लीटिंग दौसलोस्कोप थैंक्स